बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडिंग ब्लॉगिंग। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ एक और रिव्यू लेकर आई हूँ और ये रिव्यू उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये कुछ डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ, आज का रिव्यू है यार्डले लंदन ब्रिलियंट। ये आप देख सकते हैं यार्डले लंदन इंग्लिश लेवेंडर ब्रिलियंट। ये बेसिकली एक हेयर जेल है और इसको आप लगाएं, उसके बाद आपके बाल जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत स्मूथ हो जाते हैं और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते। और ये जो जेल है ये बहुत अच्छी जेल है और ये यहाँ पे वैसे तो नॉर्मली जो नॉर्मल मार्केट है वहाँ से तो नहीं मिलती, इसके लिए आपको किसी बड़े स्टोर पे जाना पड़ता है, वहाँ से ये मिलती है। और ये इसके पीछे जो है इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी लिखी हुई है और ये बहुत अच्छी जेल है। इसको आप एज अ जब आप अपने हेयर पे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, इससे आपके हेयर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके सर पे डैंड्रफ आ जाए या फिर अगर बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाए तो आप इस जेल को अप्लाई करें तो इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है और वो ये है कि जब आप को आपकी बॉडी पे कहीं पे भी कोई रैश हो या ड्राइनेस हो तो आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपकी जो बॉडी पे रैश हुए हुए हैं या फिर जो ड्राइनेस हुई हुई है वो एक से दो दफ़ा अप्लाई करने के बाद बिल्कुल फिनिश हो जाएगी और आपकी बॉडी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। क्योंकि हम खुद इसको पर्सनली यूज़ करते हैं और अभी ये मैंने न्यू मंगवाई थी तो मैंने कहा चलो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बेसिकली हमें जो ये जेल है यहाँ से तो नहीं हमने परचेज़ की, ये हमने दुबई से मंगवाई है। और तो अब मैं इसको इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ और इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत इसकी खुशबू प्यारी है और इसको थोड़ा सा मैंने लिया है। अगर आपके फेस पे या आपकी किसी भी बॉडी पार्ट पे ड्राइनेस हो रही है तो आप इसको इस तरह से लगाएं और अप्लाई करें और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये इसने एकदम से मेरी स्किन को सॉफ्ट कर दिया है, स्मूथ कर दिया है और बिल्कुल भी ड्राइनेस जो है वो नहीं रही, बिल्कुल ड्राइनेस फिनिश हो गई है। और इसको आप हेयर्स पे जब आप अपना हेयर स्टाइल बनाएं तब भी आप इसको, जब आप अपने जो बाल हैं उनको वॉश करेंगे, शावर लेंगे तो उसके बाद भी आप इसको अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं। और आफ्टर शावर अगर आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो भी आपकी बॉडी जो है वो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट और स्मूथ मेरी स्किन हो गई है और थोड़ी देर में ही जो है ये ऑब्जर्व हो जाएगी। और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, सबसे अच्छी जो इसकी चीज़ है वो ये है कि इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये छोटा सा रिव्यू जो था वो आपको आया होगा पसंद और आप भी इस जेल को ज़रूर परचेज़ करें और अप्लाई करें। और सर्दियों में स्पेशली ये जो जेल है ये आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसको अगर आप एज अ वैसलीन यूज़ करते हैं तो इससे आपकी जो चेहरे की सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहेगी। आपके अगर पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हैं तो उस पर आप इसको अप्लाई करें तो आपके पाँव बहुत अच्छे हो जाएंगे, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगी। इसको किसी भी अपने ज़ख्म पे जो आपको कहीं पे चोट लग गई है, कोई ज़र्ब लग गई है या आपको कहीं पे कोई ख़राश आ गई है तो उस पर अगर आप इसको अप्लाई करते हैं और एक से दो दिन में इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल रिकवर हो जाएगा।
और ये स्किन सॉरी ये जो जेल है बहुत अच्छी है। तो एक दफ़ा फिर से मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए, ये बहुत बेहतरीन जेल है। और वही वाली बात कि जो प्रोडक्ट मैं खुद से अप्लाई करती हूँ, जो प्रोडक्ट मैं खुद से परचेज़ करती हूँ, वही मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। उसके अलावा मैं कोई प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करती। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी एक यूज़ कर ली है, और ये देखें इसके ऊपर से ये जो एक फैमिली बनी हुई थी वो भी बिल्कुल रिमूव हो गई है यूज़ होने के बाद, और ये बिल्कुल एम्पिटी हो गई है। और अब इसको हम वॉश करेंगे और एज अ कंटेनर इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है ऐसी ऐसी जो बॉटल्स होती हैं वो एज अ कंटेनर यूज़ हो जाती हैं। कोई रेमेडी बनानी होती है तो उसके लिए फिर बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं, इस तरह के जो जार्स होते हैं, वो मोस्टली यूज़ में आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, और आप लोग और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।